बिहार में अफसरशाही की हनक कितनी है उसी बात को साबित करती है ये तस्वीर। दरअसल ये जो हुजूम शनिवार सुबह को दरभंगा शहर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आप देख रहे हैं ये उन्हीं परीक्षार्थियों की है जो वर्षों से आंखों में अधिकारी बनने का सपना लेकर पूरे समर्पण के साथ तैयारी कर रहे थे और उसी सपने को साकार करने का दिन आज है। यानी कि 69वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो शनिवार को एक ही पाली में होनी है। दरभंगा में समस्तीपुर के छात्रों के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह से ही सड़कों पर उत्साहित परीक्षार्थियों की भीड़ के कारण जाम की स्थिति भी बनी हुई है। तो आइए सुनाते हैं कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले परीक्षार्थी ने अपनी तैयारी को लेकर क्या कहा, नेगेटिव मार्किंग को लेकर वो क्या सोच रहे हैं और परीक्षा को लेकर उनमें कितना उत्साह है। समस्तीपुर के अलावा दरभंगा शहर में परीक्षा के लिए 23 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। प्रशासन परीक्षा को लेकर कितना चौकस है ये सब देखिए इस रिपोर्ट। परीक्षा देने कहाँ से आए? जी मधुबनी से। मधुबनी से आए। कितनी तैयारी हो चुकी है अभी तक? तैयारी ठीक, बहुत अच्छी है। परीक्षा से पहले कितना दबदबा महसूस हो रहा है? परीक्षा से पहले तो दबाव रहता ही है, जो भी स्टूडेंट है उनके ऊपर दबाव रहता ही है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस बार सरकार 1/3 निगेटिव कर दिया है, तो 1/3 निगेटिव इस बार पहली बार बीपीएससी किया हुआ है तो दबाव तो बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट पे। अच्छा एक सवाल है, बीपीएससी क्यों, अधिकारी बनने का शौक है या फिर? ये देखिए बीपीएससी हम लोग समाज सेवा, समाज में रह के समाज का उत्थान करना चाहते हैं, तो इसलिए इससे अच्छा कोई और जॉब है नहीं, तो बीपीएससी इसीलिए बीपीएससी। अधिकारी बनने की ललक आपने कहाँ से आ गई? जी अधिकारी बनने की ललक जब भी हम कहीं ब्लॉक पे जाते हैं या फिर हमारे जिला मुख्यालय में जाते हैं तो वहाँ उनको जो देखते हैं उनका जो दिनचर्या है, जो भी काम करने का तरीका है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। जब मैं पहली बार अपनी ब्लॉक पे गया या फिर जिला मुख्यालय में गया तो वहाँ से मेरे अंदर ये ललक आई कि मैं इस चीज़ की तैयारी करूँ और इसका एग्ज़ाम दूँ। मान लीजिए कि आप अधिकारी बन गए तो सिस्टम में सबसे पहला बदलाव क्या लाएंगे? अभी अधिकारी बने नहीं हैं, बनेंगे फिर उस हिसाब से सिस्टम, अब बाहर से सिस्टम को नहीं बदल सकते हैं, जब उसके अंदर जाएंगे उसको समझेंगे उसके बाद अब सिस्टम को बदलने के लिए, और अकेला आदमी सिस्टम नहीं बदल सकता है, सिस्टम बदलने के लिए पूरे सिस्टम को बदलना होगा। के पाठक भी अधिकारी हैं, अलग अलग बात है कि वो यूपीएससी बिरादरी के हैं, लेकिन आप उनसे कितना प्रभावित हैं? मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं के पाठक जी से इसलिए बहुत प्रभावित हूँ कि उन्होंने ये किया है कि बच्चे प्रत्येक दिन डेली स्कूल आएँ, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग का 2016-19 में ग्रेजुएशन हुआ है, एक भी दिन विश्वविद्यालय में या कॉलेज जो भी है तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं हुई, और ये बहुत ज़रूरी है। आप ये देखिए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है वो क्यों सफल होता है, क्योंकि वहाँ उनके यहाँ पढ़ाई होती है, उस तरीके की पढ़ाई, उस गुणवत्ता की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ लोग बच्चे जो हैं वो प्राइवेट संस्थान में या कहीं पटना रह के, दिल्ली रह के, इसके लिए क्यों, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, हमारे विश्वविद्यालय में उस तरह की व्यवस्था नहीं है, शिक्षक नहीं है, उसके बाद वो ये सब व्यवस्था है नहीं, लैब नहीं है, हर चीज़ की व्यवस्था नहीं है, इसलिए के पाठक से मैं बहुत प्रभावित हूँ। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार झा। अगर आप अधिकारी बन गई मान लीजिए तो सिस्टम में क्या बदलाव लाएंगी? सिस्टम में बदलाव लाने का मैं सबसे पहले गांव के जो बच्चे हैं मैं उनके मतलब शिक्षा के लेकर के मैं उन्हें ज़्यादा मैं काम करना चाहूँगी, और महिलाओं के विकास के लिए, जैसे कि महिलाएं घर से काम करने निकलती है और अपने पढ़ाई को रोक देती हैं, तो मैं उनके लिए मैं वो दोनों में सिस्टम उन्हें मतलब प्रोवाइड करना चाहूँगी। अच्छा एक सवाल है कि बीपीएससी ही क्यों, कोई दूसरा अधिकारी दूसरी जॉब क्यों? देखिए जॉब तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने बीपीएससी इसलिए क्योंकि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि एक बीपीएससी और सिविल सर्वेंट ही है जो लोगों को वो दायरे तक पहुँचाती है, ठीक है, इसलिए मैं बीपीएससी ज्वाइन की हूँ। अच्छा के पाठक एक बिहार के अधिकारी हैं लेकिन वो यूपीएससी से हैं, वो बीपीएससी नहीं थे, वो यूपीएससी थे, लेकिन उनका जो कार्य है उनके कार्य से आप कितने प्रभावित हैं? वो देखिए अधिकारी हैं, वो सचिव हैं तो अच्छे हैं, मतलब कि उनका मतलब काम करने का तरीका, उनके सोचने की जो मैं उनको मैं सैल्यूट करती हूँ, और उनका जो भी है वो शिक्षा के लेकर के वो बहुत अच्छा वो सोचते हैं। अच्छा कोई ऐसे अधिकारी जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हों और इस परीक्षा में बैठने आई? देखिए मेरे तो अभी समस्तीपुर के जो अधिकारी हैं, क्या नाम है उनका, योगेंद्र सिंह हैं, हाँ
तो मैं उनके कार्य को लेके, मैं अक्सर उनके पेपर न्यूज़ में आते रहते हैं, तो मैं उनके वर्क को देख के मैं बहुत अच्छे मतलब कि उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हूँ, और उनके काम को देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ कि वाह इतने अच्छे हैं जो काम को लेकर के वो करते हैं, अपने अपने वर्क को वो बहुत ही क्या बोलते हैं ईमानदारी से वो वर्क करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल कुमारी है। कहाँ से आए? समस्तीपुर से। कितनी तैयारी हो गई? तैयारी तो मीडियम है, मैं तो अभी इसका फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा हूँ, तो कुछ खास तैयारी तो है नहीं। परीक्षा से पहले कितना दबदबाव है? कुछ खास नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट है और पहले मतलब दे रखा हूँ एग्ज़ाम वगैरह अदर एग्ज़ाम, तो कुछ खास तब प्रेशर नहीं है। अच्छा, बीपीएससी ही क्यों, दूसरे अधिकारी बनने का शौक क्यों? ये इसका जवाब तो ऐसे नहीं दिया जा सकता, एक होता है शौक लोगों का एग्ज़ाम देना है, कुछ बनना है, तो ऑब्वियस बात है वो। मान लीजिए आप परीक्षा में सफल हो गए, आप अधिकारी बन गए, तो सिस्टम में क्या बदलाव लाएंगे? सिस्टम में बदलाव ये अभी विषय नहीं बात करने का मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे सोचना पड़ता है उसके बारे में कुछ बोलने से पहले। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सा सिस्टम है जिसको अधिकारी बनने के बाद आप अगर आप उसमें गए तो आप सबसे पहले चेंज करना चाहेंगे? एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे पहले मैं चेंज करना चाहूँगा, उसमें काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, के पाठक भी एक अधिकारी हैं, माना कि वो यूपीएससी से हैं, लेकिन उनका जो कार्य है वो बहुत लोगों को प्रभावित करता है, तो उनसे कितने प्रभावित हैं? उनसे प्रभावित हैं, उनका कुछ कार्य है जो कि शिक्षा व्यवस्था को बहुत सुधार करके लाए हैं। अभी जैसा माहौल था पहले शिक्षा व्यवस्था में, अभी बहुत सुधार आया है और सुधार की ज़रूरत है। कहीं कुछ जगह पर चूक हो रही है, सभी लोग से होती है, वो उसको सुधारने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको। आज बीपीएससी की परीक्षा देने आई, कहाँ से आई? मैं आई हूँ पूसा समस्तीपुर। कितनी तैयारी हो चुकी? तैयारी तो हमेशा रहती है, एग्जाम क्वालिफाई हो जाए बस। मान लीजिए कि आप अधिकारी बन गई, सफल हो गई, वो शुभकामनाएं आपको, तो क्या सिस्टम में बदलाव करेंगी आप? सर, सिस्टम तो बहुत ज़्यादा है करप्शन, एक इंसान चेंजेस नहीं ला सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि अगर आप अधिकारी लेवल पर जा रहे हैं तो जो कानून व्यवस्था है उसको इस तरह से परिवर्तित किया जाए, नई पीढ़ी है उनको नया मौका मिले, नई तरीके से काम कार्यप्रणाली चलती रहे। अच्छा, अधिकारी बनने की ललक कहाँ से आ गई आप में? सर, जब आप स्ट्रगल करते हो ना प्राइवेट से लेके गवर्नमेंट सेक्टर्स में या कुछ भी काम करते हो, तो एक मेरे पापा एक कर्मचारी हैं, तो लाइफ में हमेशा एक चीज़ रहती है पावर एंड पोजीशन, तो अधिकारी एक लेवल होता है जहाँ से आप चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं, जो कर्मचारी बनके आप नहीं कर सकते हैं, बस यही कोशिश है। अच्छा, के पाठक भी एक अधिकारी हैं, उनका बहुत चर्चा रहता है, माना कि वो यूपीएससी से हैं, लेकिन उनसे कितने प्रभावित हैं? सब प्रभावित लोगों के काम से इंसान होता है, लोग से नहीं होता है। अच्छा, उनके कार्य से कितनी प्रभावित? कार्य उनका काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है सर, लेकिन अभी भी जो नई पीढ़ी है, नई सोच है, उसमें अभी वो भी उस लय में नहीं आ पाए, तो जो नया जनरेशन है, नई चीज़ें हैं, उसको लाने के लिए कहीं से कहीं तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। बिहार में काफ़ी चीज़ें जो बहुत बैक हैं। अच्छा, आप महिला हैं और अगर आप कोई अधिकारी बन गई किसी से, तो महिला के लिए क्या करना चाहेंगी सिस्टम में? सर, सिस्टम यहाँ पे जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, बिहार में महिलाओं के लिए बहुत बैक है। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी है, महिलाओं को मतलब आपको आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन हर घर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, हर घर की सोच में है, जहाँ पे आपको पीछे कर दिया जाता है, क्योंकि आप लड़की हैं, आप औरत हैं, या चीज़ें हैं। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप एजुकेशन ले ले, डिग्री ले ले बैठ गए, उसको इम्प्लीकेट भी करना होता है लाइफ में। क्या नाम हुआ? अर्चना।